हाँ जी भाई, लाइन हो गई सबकी, हैं? रेडी? शुरू करें फिर? जी सर। आ जाओ भाई, चल भाई। स्किप दे दीजिए। लाइए। तो सर, हैजल से शुरू करते सर। हाँ। आप आ जाइए। बिल्कुल फील के साथ, हैं? एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं, एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के हजार वार से ज्यादा असरदार होते हैं। हमारा मकसद जुर्म खत्म करना है, मुजरिम नहीं। बस हो, बस, नेक्स्ट एक्शन। टोपा हो का बे, जब से देख रहे तब से चूरन गिरी फैला के रखे हो, रोड का तुम्हारा बाप का है। बस बस, आप आ जाइए, हैजल के लिए आइए। एक्शन। तजुर्बा कहता है हमारा, जख्म तेजाब से नहीं, एहसास से भरे जाते हैं। प्यार के चंद शब्द तलवार के हजार वार से कहीं ज्यादा असर देते हैं। जिस दिल में मोहब्बत नहीं वो दिल नहीं, जिस सीने में जज्बात नहीं वो इंसान नहीं। हमारा मकसद है जुर्म खत्म करना, मुजरिम नहीं। आउटस्टैंडिंग, माइंड ब्लोइंग, जबरदस्त झटका, खूबसूरत, ऑसम, परफेक्ट, सुंदर, अति सुंदर सर, मैं तो कहता हूं। कर ले, तू ही कर ले फिल्म, हैं? सॉरी सर। ओ बेस्ट है जी, बेस्ट। क्या बात है ओए कुड़ी, यही चाहिए था, यही चाहिए था। ओए मिल गए, साड़ी हैजल मिल गई ओए। हमारा हो गया? ओ बिल्कुल फाइनल है जी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ओए नहा लिख। अब आ रहा मजा, चलो भाई नेक्स्ट। आप आ जाइए कैरी के लिए। बिल्कुल ऐसी फील में करना है, ठीक है जी, एक्शन। अबे टोपा होगा बे, और ये सड़क क्या तुम्हारे बाप की है जो जुर्म करते फिर रहे हो? बता रहे निकल लो अभी के अभी यहाँ से, समझे ना? और दिमाग का ज्यादा हैंटेन किया ना, जो मार मारेंगे ना एक ही बात बोलोगे, दरोगा देखा तो बहुत लेकिन तुमसा नहीं, समझे? और सिलेक्ट हो, सिलेक्ट हो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, यही चाहिए था। और मिल गई साड़ी कैरी। अगर हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो हमारे लिए ये साबित करना नामुमकिन हो जाएगा कि शंभू ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई है। एक मिनट सर, ये हुआ? हमें तो मौका ही नहीं मिला। हो गया जी इलेक्शन, सिलेक्शन। और मैं भी तो वही बोलिया, और मिल गई जी हैजल द कैरी, खेल खत्म तो पैसा हजम। चलो जी ऑडिशन खत्म हो गया जी, और वैसे भी आपने तो ये रोल करना ही नहीं था जी, तो लो सुन ली ऊपर वाले ने आपकी, नहीं हुआ आपका इलेक्शन, सिलेक्शन। ठीक है, देखो जी आप लोग तैयारी करो, मैं अगली फिल्म में काम करने जा रहा हूँ, अगली फिल्म में हॉरर बना रहा हूँ जी, है? और उसका नाम है टाइम द बदला। वो डायन से याद आया, तेरी भाभी तो फोन है? सर नहीं आया सर। ये तो बल्ले बल्ले हो गया, चलो जी फिर। अबे टोपा हो कबे, कब से देख रहे क्या चूरनगुरी मचा के रखे हो? डायरेक्टर हो तो क्या किसी की भी इज्जत उतारने का मौका मिल गया है तुमको? नाम रख लिया स्पीलबर्ग तो खुद को स्पीलबर्ग समझ रहे हो? कब से देख रहे हैं डायरेक्टर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है, ये चलेगा वो नहीं चलेगा? देखो मेहमान हो हमारे शहर में, इसलिए कछु बोल नहीं रहे हैं, वरना वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से एक कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे बहुत पर तुमसा ना देखा। रिकॉर्ड किया है? किया सर। बेस्ट बेस्ट है जी, ओए यही तो है साड़ी कैरी, ओए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, तुसी तो पावर हाउस हो जी परफॉर्मेंस दा। ओए और मिल गई, ओए कैरी भी मिल गई, हैजल भी मिल गई, तू बस कॉन्ट्रैक्ट साइन करा, ओए रेडी कर चल, और तुम दोनों जी आने वाले टाइम दी सुपरस्टार। थैंक यू, आ जाओ। ओए अरे हसीना जी आप, आप? अब जय हिंद सर। जय हिंद। आप काफी अलग लग रही हैं। मेरा मतलब है अच्छी लग रही हैं।
थैंक यू। दरअसल हम एक हम समझ सकते हैं आप जो भी कर रही हैं ठीक कर रही हैं। हम कुछ समझे नहीं। हम ठीक हैं। हम ठीक हैं। थैंक यू। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम ये कह रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लगा कि आप अपने निजी जीवन में मूव ऑन कर रही हैं, सब कुछ भुलाकर एक नए जीवन का प्रारंभ करने का सोच रही हैं। और आपको ऐसा क्यों लगा? आपका ये काया पलट देखकर, इस रूप में आपको देखकर हमें यही ज्ञात हुआ है कि आप किसी के साथ डेट पे गए गई थी या जा रही हैं। अच्छा है, हम आपके लिए बहुत खुश हैं हसीना जी। I'm glad कि आप खुश हैं सर, लेकिन हम किसी डेट पर नहीं गए थे। ये सब हमने एक केस के सिलसिले में पहना है, ये सब सिर्फ एक नाटक है। फिलहाल हम ड्यूटी पर हैं और आप अच्छे से जानते हैं कि हम ड्यूटी और पर्सनल लाइफ को अलग रखते हैं। अद्भुत अद्भुत, एक आप हैं जो अपने कर्तव्य और निजी जीवन को हमेशा अलग रखती हैं, और एक हम हैं जिन्होंने अपने फर्ज को भी अपना निजी जीवन बना दिया है। ये बात हमसे बेहतर और कौन जानता है सर? एनीवेज, आप यहाँ कैसे? थाने जा रहे थे रूटीन विजिट पर, गोलगप्पा देखा तो रुक गए। अच्छा अच्छा, आइए फिर। अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है, थाना प्रमुख आप हैं, आपसे मिल लिए तो समझिए कि रूटीन विजिट हो गई। चलिए हम आपको छोड़ देते हैं। नहीं सर, पास ही में है, हम चले जाएंगे। जय जय। हसीना जी, एक मिनट। नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं है, इट्स ओके। हसीना जी, हम आपको गोद में नहीं उठा रहे, घबराइए मत। थैंक यू। ठीक है, लेकिन हमसे ये बकलोली नहीं होगा पुष्पा जी, ये आपको लगता है हम ये कर सकते हैं? इतना भी कठिन नहीं है जितना आपको लग रहा है। हम बताते हैं आपको अभिनय कैसे करते हैं। हाँ? यार पुष्पा जी रहने दीजिए। देखिए तो सही। हेलो थान जी, हम हेजल बोल रहे हैं, क्या आप हमारे साथ चिंटू चाट के यहाँ पे दही पापड़ी खाने आएंगे? बहुत ही स्वादिष्ट बनती है वहाँ की दही पापड़ी। चलेंगे ना? बस देखिए कितना आसान है। पहली सास इस दुनिया में हमने देखी होगी जो अपनी बहू को ये करने को कह रही है। मगर आप ऐसी पहली पुलिस वाली नहीं है जो ये सब करेंगे। और हम ये सब किसके लिए कर रहे हैं? हमारे बिल्लू के लिए ना, उसे न्याय दिलाना। हाँ हाँ, करेंगे। आप कॉल लगाइए। स्पीकर पे डालते हैं। कौन है भाई? हेलो शंभू सर, हम हेजल बोल रहे हैं, आपसे मिलना था। आप मिलेंगे अकेले में? बिल्कुल नहीं है। मैनू सब पता है, तू मैनू फसान वास्ते फोन किता है। हैं? वो साइको तेरे नाल है ना वे? तेरे पास खड़ी स्पीकर विच साड़ी बातें सुन रही है।
कौन साइको? और मेरी वाइफ और कौन? और उससे बोल ये हथकंडे बहुत पुराने हो गए। सत्यानाश हो इसका। अब इससे नजदीकियां नहीं बढ़ेंगी तो कैसे मिलेगा कन्फेशन? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। क्या हाल है? बस बढ़िया सर। सब रेडी? हाँ रेडी। चलो तो फिर शुरू हो जाओ। आ जाओ लाई ले वे। आ जाओ जल्दी आ जाओ। एफर्ट शुरू करें जी। एक्शन। बस बहुत हो गई है जज्बातों की डुकडुकी हेजल मैडम। बहुत हो गया जज्बातों का तमाशा। ये जंगल राज है जुर्म की दुनिया। यहाँ सिर्फ जंगली आदमखोर जानवर पाए जाते हैं। इनके सामने जज्बात और प्यार का कोई फायदा नहीं है। इन्हें तो बस लात घूंसे मार के जेल के अंदर बंद कर देना चाहिए। यही है इनकी सही जगह। तजुर्बा कहता है हमारा, अक्सर हम वैसे ही बन जाते हैं जैसे हम दूसरों के बारे में सोचते हैं। मुजरिमों को जंगली जानवर मानते मानते आपका हाल भी कुछ वैसा ही हो गया है। एसआई साहिबा, जज्बात मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलते हैं। अगर किसी का दर्द दूर करना है तो उसे अपने अंदर ढूंढिए। ओ कैडेट, बहुत बढ़िया। छागी क्या बात है? रिकॉर्ड कितना? किया सर। और मेरे फोन विच कितना? सर सारी रिकॉर्डिंग आप ही के फोन पे करते हैं। और जिंदा रहे, बहुत बढ़िया। देखो जी, परफॉर्मेंस तो एकदम परफेक्ट है, हैं? पर फील थोड़ा कम है। वो देखो जी, वो पुलिस वाला फील नहीं आ रहा। मैं कुछ कर दा सर। भाभी जी का फोन। जल्दी दे हुए। ना झेलना पड़ेगा इस घटिया आदमी को। मैडम सर कुछ सोचिए, कन्फेशन निकालने का जल्दी कुछ सोचिए। आपने एक बात नोटिस की करिश्मा सिंह? क्या? कल जब हमने खराब ऑडिशन किया था तब भी उसने अपने असिस्टेंट से उसे फोन पर रिकॉर्ड करवाया था। आज हमने अच्छा परफॉर्म किया है, उसने उसे भी रिकॉर्ड करवाया है। तो इसका मतलब जो चीज उसे पसंद आती है या उसे लगता है कि वो उसके काम की है वो उसे रिकॉर्ड करवाता है। नहीं मतलब हम समझ नहीं पा रहे आप क्या कहना चाह रहे हैं। अगर वो हर चीज रिकॉर्ड करवाता है मतलब हो सकता है उसने बिल्लू का नरेशन रिकॉर्ड करवाया हो। देखो ये इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये स्क्रिप्ट उसकी नहीं है, बिल्लू की है। बात आपकी सही है मैडम सर, लेकिन इसके लिए हमें शंभू का फोन चाहिए होगा ना। और मिल गया मैंने जवाब मिल गया कि परफॉर्मेंस विच फील क्यों नहीं आ रहा है। देखो लोकेशन द प्रॉब्लम है और कहानी पुलिस वाली होती है तो लोकेशन भी पुलिस थाना होनी चाहिए ना। और कोई नहीं होए, बुलबुल पांडे नु फोन मिलाते हैं। सही है? और यार है साडा, रिहर्सल के लिए मना थोड़ी करेगा। कोई नहीं। अगर बुलबुल पांडे के थाने में गया तो वो हम दोनों को पहचान लेगा और हमारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं सर, वो आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं? दरोगा जी को क्यों परेशान कर रहे हैं? अरे अब हम जानते हैं, वो एक महिला पुलिस थाना ना हमारे यहाँ, वो हमारी बहुत अच्छी जान पहचान है। वहाँ पे आप समझिए कि हमारा ही थाना है। मतलब हम जानते हैं वहाँ पर बहुत अच्छे से जान पहचान है ना, तो हमें कॉल करेंगे ना, वो रिहर्सल के लिए मान जाएंगे। आप वहीं रिहर्सल करते हैं? ओ महिला और पुरुष, हमें तो थाने से मतलब है जी। तो ठीक है फिर, आगे दी रिहर्सल फुल फील विच महिला थाने विच होगी। आई तो है महिला थाना। जी यही है। हेलो नमस्ते कैसे हैं? बहुत अच्छे, आप कैसे? बस ठीक। हम भी बहुत बढ़िया है। बताइए कहाँ थी आप इतने दिनों तक? वो नेपाली मूवी कर रहे थे हम, तो हम उसमें थोड़ा बिजी थे, फिर ऑडिशन। अच्छा तो आज कैसे आना हुआ बताइए? वो बताया था ना, ये है मशहूर डायरेक्टर शंभू स्पीलबर्ग। ओ जी हेलो। और ये है उनके असिस्टेंट कैलाश। नमस्ते। ये है कांस्टेबल चीता चतुर्वेदी। ये है संतोष शर्मा। SHO? नहीं ये भी कांस्टेबल है। तो फिर SHO से मिलवाओ ना भाई, परमिशन तो होनी चाहिए। है भाई, वो कितने जी आपकी SHO? आपके सामने तो ये रही। अरे बर्गर सर, स्पीलबर्ग।
पीलबॉग सर। ठीक है ठीक है। बर्गर सर, बर्गर सर। इनका कहने का मतलब कि ये रही एसएचओ, ये जो खड़ी है ना, इन्हीं को पता है कि हमारी एसएचओ मैडम कहाँ गई है और वही बताएंगे कि हमारी एसएचओ मैडम कहाँ है। अगर बोला तो इन्होंने इनकी तरफ देख के। उनकी आंखों में ना बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है सर, कसम से। वो कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना वाला जो दिक्कत है ना, वही है। देखती कहीं और है, बतियाती कहीं और है, कसम से। देखिए देखिए, अभी भी वो आपकी तरफ नहीं देख रही हैं। हम लोग में से किसी की तरफ नहीं देख रही हैं, लेकिन बतिया आप ही से रही हैं। अभी आपसे सवाल पूछेंगी वो, देखिएगा। 3, 2, 1 पूछिए। चाय पियेंगी सर? बताइए, जवाब दीजिए सर। पुलिस है? लखनऊ की इकलौती शार्प शूटर है। देखती कहीं और है, लेकिन निशाना एकदम सही जगह पे मारती है। बच गए। ओ, पर इन्होंने पेट क्यों पकड़ रखा है? पेट गड़बड़ है। वो क्या हुआ ना, सुबह सुबह फटे दूध की चाय पी थी, इसीलिए पेट थोड़ा सा गड़बड़ आ गया है। तुसी स्कूल में नाटक किया? देखा देखा चीते, ये होती है निर्देशक की नजर। अरे सर, हमें तो हमारी तीसरी कक्षा के संवाद भी अभी तक याद है। सुनाएं आपको? एक मिनट, सुनाते हैं। वो है की है कटी पतंग, लहराता पेड़। वो रहन दो जी, रहन दो। पुष्पा जी यहाँ आई, आ जाइए। आ गए आ गए। वो कोई मैनू बताएगा इस थाने दी एसएचओ किथे है? जी वो बहुत जरूरी काम से बाहर गई है, बस आती ही होगी। हेलो जी, हुण की? सर एसआई से बात कर लेते हैं ना। ओ हाँ, तो फिर एसआई नु मिलवाओ भाई। किथे है तुम्हारी एसआई? वो भी किसी काम से बाहर गई है। हाँ हाँ, वो ना हमारी एसआई मैडम जो है ना, वो हेड क्वार्टर गई है। और वैसे भी उनका होना ना होना कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमारी एसएचओ मैडम जो है ना, वो उनसे ज्यादा तो हमें मानती है। तो आपको अनुमति ही चाहिए ना रिहर्सल के लिए, तो हम दे देंगे आपको। हाँ। तो बोलो बल्ले बल्ले ओए। बल्ले बल्ले बल्ले। ठीक है, तो आप जाइए ना, हमारा थाना दिखाइए। हाँ हाँ, चलिए चलिए, आपको दिखाते हैं। चलिए 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 चलिए, सीधा सीधा। ये देखिए, ये है हमारी, ये है हमारी एसएचओ मैडम जो है ना, उनका कैबिन। अच्छा है ना? बढ़िया है जी, बढ़िया। तो इतने ऑफिस वाला सीन कर सकते हैं? हाँ हाँ, कर सकते हैं ना। परफेक्ट होगा सर। संतोष शर्मा, हमारी बात ध्यान से सुनिए। जी मैम। संतोष जी अपना डायरेक्टर जा चुका है, अपना आप हमको ना डायरेक्ट देख सकती हैं। सॉरी सर। आप संतोष शर्मा है तो बात ध्यान से सुनिए। देखिए, उस शंभू स्पीलबर्ग के फोन में एक ऐसा क्लिप हो सकता है जिससे ये बात साबित हो जाए कि उसी ने बिल्लू की स्क्रिप्ट चुराई, और उस क्लिप तक हमें जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पहुंचना है, इसलिए कोई गड़बड़ नहीं और अलर्ट रहना है हमको, ठीक है? समझ गए? जी जी जी, क्लियर 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 जी। थैंक गॉड। अरे हेजल कैरी जी, आइए सर बुला रहे हैं। जी जी, आए 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 सर। जी सर। हाँ। वो तो ठीक है, पर बहुत छोटा है, है? हाँ सर, छोटा है। रिहर्सल बाहर ही करते हैं। हाँ हाँ हाँ, हाँ सर, हॉल में करते हैं। चलो तो फिर। जी सर, आए सर। देखो जी, सीन ऐसा है, ए पुलिस थाना है, ठीक है? तो ए है चोर। सर मैं? और क्या तेरा पियो? और आपने ना इसका इंटरोगेशन करना है। सर इंट्रोगेशन? मैं भी वही बोलिया, इंटरोगेशन। ठीक है जी, हैजल
तो तुसी इत्थे आओ। हाँ आ जाओ आ जाओ। कैरी आपसे शुरू करते हैं। आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ। छेती कर, बैठ जा बैठ जा। चलो जी शुरू, एकदम कैरी वाला एटीट्यूड, ठीक है जी। एक्शन। देखिए, चुपचाप बता दीजिए कि चोरी का माल कहाँ रखा है। देखिए, कोई माँ के पेट से चोर बनकर नहीं आता, जिंदगी और मजबूरी उसे ऐसा बना देती है। और कट 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 आकी है। और तुसी कैरी हो, कैरी और कैरी वाला एटीट्यूड रखो ना, कड़क एकदम, ठीक है। और फिर से करते हैं, कमान है। चलो चल। ओ ऐ कितने की ओ कैरी हो है। वेरी गुड है। बता सच, वरना वो मार मारेंगे कि दर्द कहाँ से उठ रहा है समझ नहीं पाओगे। सच बताओ कि माल कहाँ रखा है चोरी का, वरना इतनी हड्डियाँ तोड़ देंगे तुम्हारी कि ये पूरा जन्म सिर्फ उसे जोड़ने में निकल जाएगा। बल्ले 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 बहुत सही, बढ़िया बढ़िया। यही एटीट्यूड रखना, यही सूरत है, हटना नहीं है, हट के रहना। करिश्मा मैडम और हसीना मैडम, वो शंभू उसके असिस्टेंट को बिजी रख रही है, तब तक हमें शंभू के फोन तक पहुंचना है। चलो जी, तो अब होगी कुछ डांस दी रिहर्सल, हैं? ये आपनों बताएगा। आ जाओ। जय हिंद जय हिंद। ये दोनों ब्लैक एंड व्हाइट का जोड़ी यहाँ क्या कर रहा है? सर, ये छोटा सा नन्ना सा भालू है ना, हम इसके दोस्त हैं। चलो इधर आओ, इधर दूर रहो, दूर रहो। आप इसकी बहुत कुटाई कर रहे हैं थाने में, तो सोचा आपकी एनर्जी में कमी ना हो, तो पकड़ो और चाय लाए। पकड़ता नहीं मैं, कुछ नहीं पकड़ता। बदनाम स्पेशल चाय लेकर आया हूं, एक बार चाय पीजिए सर, करंट लगेगा। मुखोर, हमारा मतलब है सर, हम होते अगर मुफ्त में खाते तो आप हमको मुफ्तखोर ही बोलते ना। सर सर सर, वो जो छोटा सा भालू, उसको एक पकौड़े खिला दो प्लीज। हाँ सर, तो आ जा, जा। गरीब है, गरीब है, गरीब है। बिल्लू भाई, भाई। तुम्हारे लिए पकौड़े लाया हूं। पकौड़े, पकौड़े। और वो भी धोखे की कोड़े देकर अभी पकौड़े खिलाने आया हो यहाँ। बिल्ले 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 सुन, करिश्मा मैडम और हसीना मैडम, तुझे यहाँ से निकालने का जमीन आसमान एक कर दिया उन्होंने। बड़ा ही खुश नजर आ रहा है अचानक से। नहीं, दोनों कबूतर का दाना डाल दिए जो इतना चहक रहा है ससुरा। नहीं सर, हम तो बस ऐसे थोड़ा सा उम्मीद का दिया जला रहे थे तो। कौन फायदा नहीं है, बुलबुल पांडे का थाने का जो हवा है ना, वो इतना तेज है कि कौन दिया ज्यादा देर टिकता नहीं। चल फेंकू। हमारा मतलब है सर कि आपका हवा इतना तेज है कि चाय ठंडा गया है, फेंक दे सर। तो सर सर, हम चलते हैं, चलते हैं। थैंक यू सर। सर सर, चलते हैं, पढ़ना। निकला निकला निकला। चाय कैसी है, टेस्टी है ना? ससुरा कौन खिचड़ी तो पक रहा है, पता लगाना पड़ेगा।